अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं बना रही हूँ चावल और चने। चलें जी शुरू करते हैं। अच्छा, चने मैंने लिए हैं आधा किलो चने हैं, तो उसमें मैंने ये 5 प्याज हैं वो काट लिए हैं इस तरह, और लहसुन और टमाटर, तो इनका मैं पेस्ट बना लूँगी, प्याज का भी पेस्ट बना लूँगी। तो फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो इकट्ठे इसमें डाल दूँगी। मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, 5-6 हरी मिर्चें थी। तो मेरी एक बड़ी प्यारी सी बहन है, उन्होंने कहा कि आप इंग्रेडिएंट्स भी बताया करें कि आपने कितना कितना क्या क्या लिए है। आधा किलो चने हैं इसमें, 5-6 हरी मिर्चें मैंने पेस्ट बना के डाल दी हैं, और 5-6 प्याज थे उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया, और 2 टमाटर थे, और लहसुन का वो पूरा 1 था, तो वो मैंने सारा इसमें मिक्स करके डाल दिया। तो पहले तो मैं वो डालती हूँ, साबुत ही प्याज डाल देती हूँ। इस बार मैंने जल्दी जल्दी में बनाए हैं, बच्चे स्कूल से आने वाले थे तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बस यही होता है कि जल्दी से खाना बन जाए और वो लोग आके खा लें। और खाना बस आजकल मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ कि ताकि अगले दिन मैं बच्चों को प्रॉपर टाइम दे दूँ, वो पेपर की तैयारी कर लें। और यहाँ पे मैंने डाला है जिंजर पाउडर, अब जाएगी इसमें हल्दी, अब जाएगा इसमें नमक, और मिर्ची मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो आपने अपने हिसाब से डालनी है, तो क्योंकि वो शोरबा जब बन जाता है तो फिर वो मिर्च जो है वो कम हो जाती है। फिर लगा दिया मैंने यहाँ पे कुकर के, बना रही हूँ तड़के वाले चावल। तो प्याज हो चुका था तो बस खाना बन रहा है। अच्छा, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं तो लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे चने जो हैं वो गल चुके हैं, तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तो इसमें अब जाएगा ऑयल, और इसको अच्छे से भून लें। फिर आपको जितना चाहिए आपको कि शोरबा आपने कितना करना है तो आप उतना पानी डाल लें। तो मैं प्याज ज़्यादा डाला है कि मुझे शोरबा जो है वो गाढ़ा सा चाहिए। और यहाँ हमारा खाना तैयार हो चुका है, शोरबा बन चुका है। तो अब डालें इसमें गरम मसाला, और चावल भी मेरे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें डालें धनिया, जिसके बगैर हांडी जो है हमारी नामुकम्मल होती है। तो यहाँ खाना बनकर तैयार हो गया है, तो आ जाएं आप भी खा लें। अल्लाह हाफिज़।